स्पीकर है, नेशनल लेवल के स्पीकर है, इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर है। तो ऐसे बच्चों का सर सहारा बने हजारों बच्चे, करीबन 70,000 से ज्यादा बच्चे प्रयास से निकले हुए हैं और तमाम ऐसे बच्चे प्रयास से आगे बढ़ रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और सर पुलिस सेवा मेडल राष्ट्रपति से सर को मिला है। दिल्ली में 1984 के दौरान बड़े भयानक दंगे हुए, उन दंगों को शांत करवाने में सर का बड़ा अहम रोल है। ऐसे तमाम केस अगर आप बात करोगे दिल्ली के इतिहास की, तो सर को उसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा गया। तो मैं चाहूँगा हमारे अमोद कंठ सर आए और अपनी बात करें। ठीक है, प्रिंसिपल राकेश कुमार गुप्ता जी एंड संजय, थैंक यू यू इनवाइटेड मी। मिस्टर राकेश कुमार, जनरल दिलावर सिंह साहब एंड के शर्मा, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बी द कंपनी ऑफ यंगस्टर्स। आई डोंट लुक सो ओल्ड एज आई एम Just because I live in the company of youngsters, children and youth, I really spend most of my time with you. And that keeps me whatever I am. And thanks to people like Mahendra, you know, who has been through the process in which I have been participating for nearly 30 years now. But I don't want to keep you guessing about my age, so I'll combine two things. I worked in the police for 34 years. Okay, I worked in Prayas for 30 years. Kitne saal mein? 64 years. And some other activities I did, if you put them all, it will be more than 100 years, which I am sure not. Friends, when you meet someone like me, जब मेरे समान लोगों से आपकी मुलाकात का रास्ता होता है, रूबरू होते हैं आप, तो जाहिर है कि आपको मेरी ही बात सुननी पड़ती है, क्यों? ठीक है ना, मेरी बात मतलब जो बातें मैंने अपने जीवन में देखा है, जिस ढंग से हमने अपने जीवन को झेला है, अलग अलग स्थितियों से, अलग अलग सिचुएशन से, जिंदगी को के मार्फत से हम गुजरते रहे हैं, तो वो तमाम बातें ही हम करते हैं। इट्स समहाउ अ कंपल्शन दैट वी टॉक, वी वॉक द टॉक, वी एक्चुअली स्पीक व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव फेल्ट। And a time comes in the lives of all of us when we create our own thought process. I will not call it philosophy, I'll say thought process. The mind gets settled, people like me, because we have been through so many things in life that we start analyzing everything from our experience of life. अभी तुरंत बताया महेंद्र ने कि मैं कश्मीर में था पिछले हफ्ते, और करीब करीब मैं कश्मीर जा चुका हूँ कई एक बार पिछले कुछ महीनों में। और जैसा महेंद्र ने कहा कि देयर इज़ अ बॉडी नीति आयोग विच इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग कमिटी ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, इट्स अ नेशनल लेवल बॉडी विच हैज बीन क्रिएटेड इन नीति आयोग इन पास्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बैक। एंड दिस बॉडी इज सपोज टू बी 23 बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री, बिगेस्ट मीन्स हु आर सर्विंग लैक्स ऑफ पीपल, आर के मिशन, सुलभ इंटरनेशनल, सेवा, SOS, प्रयास इज वन ऑफ देम। सो आई एम देयर इन दैट बॉडी एज मेंबर सेक्रेटरी एंड आई कीप ऑन विजिटिंग अक्रॉस द कंट्री, कीप ऑन मीटिंग पीपल। ऐसा इत्तेफाक था कि कोई करीब आज से 6-7 महीने पहले मैं कश्मीर में श्रीनगर में था और कोई 30-40 ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो रही थी और बात चल रही थी कि बच्चों के साथ क्या होता है, युवा के साथ क्या होता है, क्यों लड़के पत्थर फेंकते हैं, क्यों लड़के परेशान हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, तमाम बातें चल रही थी। और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर के थे उनसे बातचीत चल रही थी। उसी दिन इत्तेफाक से राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 11,000 केसेस जो हैं द यूथ ऑफ कश्मीर हु हैव बीन ब्रॉट इनटू वेरियस लीगल प्रोसेसेस, 11,000 यूथ, तो स्टोन पेंटर्स हों या कोई क्राइम कम किया हो या कहीं इंसर्जेंसी में चले गए हों, उनके खिलाफ केसेस को विड्रॉ किया जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती ने भी अनाउंस किया साथ साथ
तो फिर हमने ऐसे ही इत्तेफाक से पूछा कि भाई आपके क्या इरादा है, व्हाट यू वांट, हाउ डू यू रिएक्ट अबाउट इट, दिस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट। सबों ने सपोर्ट किया और कहा कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं, हम सोचते हैं केसेस विथड्रॉ होंगे, क्योंकि कायदे से ये तमाम केसेस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में होना चाहिए था। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम इज द सिस्टम फॉर लॉ एंड जस्टिस फॉर चिल्ड्रन। एनीवन बिलो 18 इयर्स ऑफ एज, एनी यंग पर्सन हु गेट्स इन्वॉल्वड इन अ क्राइम इनिशियली, the system is different, it's entirely different, it is not like the normal criminal justice system, I hope I am clear. A different treatment is to be given to the child. The child may even commit a murder, the child may commit any kind of crime, now the law has changed recently. तो वो उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हुए कश्मीर की पुलिस, कश्मीर की सरकार ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उनको अरेस्ट कर रखा था बहुत लोगों को, आपको मालूम होगा पत्रकार बहुत मशहूर बैठे हुए हैं। तो हमने ये सवाल उठाया। Then I came back to Delhi. I had a meeting with the Home Secretary. Home Secretary, Government of India, जब मैंने बताया कि ऐसी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने समझा कि बहुत important है। He spoke to Chief Secretary of Kashmir. और फिर मुझे बुलाया गया, जम्मू में गया। I addressed all the government officials. It was decided that let us meet the civil society organisations who represent the people at large. इत्तफाकिया जो मीटिंग हमारी होनी थी, वो मीटिंग खत्म होने से पहले सरकार गिर गई थी 20 तारीख को, और राजनाथ सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप जो काम कर रहे हैं देवदूत का काम है, बहुत इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वी हैव ब्रोकन ऑल द ब्रिजेस। कश्मीर के साथ सरकार का, लोगों का, हिंदुस्तान का रिश्ता टूटता नजर आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो फिर उन्होंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर एन एन बोहरा वहाँ के हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, और फिर इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो आप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें तमाम वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट करेंगे, कश्मीर के नेशनल लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं कश्मीर के, वो आएंगे नहीं आएंगे क्या होगा मुझे नहीं पता है। बहुत लोग अप्रिहेंसिव थे, बट 14 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग फुली, द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर इंक्लूडिंग एडवाइजर्स टू गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, एवरीबडी, ऑल केम फॉर द मीटिंग ऑन 7 तारीख की बात है। बड़ी बारिश हुई उस दिन सुबह सुबह, दो दिन से वहां बंद चल रहा था, लेकिन इत्तफाक देखिए कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी पर्सन whom we invited was present, सभी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे, 160 लोग थे उस मीटिंग में, और पूरे दिन सुबह से शाम तक डिस्कशंस चलते रहे, एक से क्रिटिकल इश्यूज पे डिस्कशंस हुए, एक आदमी ने, नॉट वन सिंगल वॉइस केम, देयर वाज इवन अ स्मेल ऑफ एंटी नेशनलिज्म, यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट कश्मीर। कश्मीर ने इस हार्डकोर सिचुएशन में, जहां सब कुछ फेल कर चुका हो, लगता है कि हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हो, वहां पे भी पूरे दिन ऐसी बातचीत हो, सभी आपस में बात कर रहे हैं, और डिफरेंट बच्चों की बात, महिलाओं की बात, बुजुर्गों की बात, डिसेबल्ड की बात, पॉवर्टी एलिवेशन की बात, इसके डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट की बात, ये तमाम बातें थी। इनफैक्ट एंटायर ग्रुप वॉज डिवाइडेड इन 6 सब ग्रुप्स, एंड वी हैड फ्री फ्लोइंग डिस्कशंस, and we came to a conclusion that we have developed some kind of joint action plan with the civil society organizations. You understand that? Why it happened? आज के इस माहौल में जबकि हम सोच रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान से बाहर चला जा रहा है, ये हमारी thinking, हम ऐसा सोचते हैं, कश्मीरी नहीं सोचते, मैं बता दूं आपको, ये गलत फहमी है, आप बेहतर जानते हो जी, क्योंकि आपका काम चलता है कश्मीर में। तो मेरा ये कहना है कि ये जो तमाम इश्यूज हैं, हम जिस ढंग से सोचते हैं, जो हमारी सोच है पैट्रियटिज्म के बारे में, नेशनलिज्म के बारे में, जिस ढंग से हम सोचते हैं, उसमें अधिकतर चीज शायद सही नहीं होती है। मैं एक दो बात और आपको कह रहा हूँ। इत्तफाकिया करीब करीब एक साल पहले, आई हैड ए चांस टू गो टू लिथुआनिया, आई वाज इनवाइटेड बाय लिथुआनिया हिस्ट्री फॉर अ टॉक, देयर वाज अ डिस्कशन, ज्यादा हो गया एक समय से ज्यादा, मेरे साथ कैलाश सत्यार्थी को भी जाना था, नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी, बोथ ऑफ अस इनवाइटेड फॉर सम प्रोग्राम in the University of Lithuania. तो मैं पहले गया रशिया मॉस्को, तो मॉस्को गया तो वहाँ मैं रह गया एक दिन, लोगों से बातचीत, क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ मेरे दोस्त होते हैं आपके समान, वहाँ पे everybody was ardent admirer of Putin, जो व्लादिमीर पुटिन ही वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, बड़ा तगड़ा आदमी है, मोदी के समान जोरदार रेसलर है वो, जिस तरह की मोदी कह रहे हिंदुस्तान में, ठीक वही इमेज पुटिन का रशिया में, आपको तो मालूम ही होगा, he is a horse rider, he is a strong man, he is a macho, he thinks he is a macho, theek hai aur hai bhi,
वहाँ पे लोग उसके पीछे पागल हुए चले जा रहे हैं पुतिन के पीछे, जैसे बहुत लोग हिंदुस्तान में मोदी के पीछे गए, तो वो लोग सभी बड़ी तारीफ करते हैं और सब कुछ। ये तारीफ इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज अ वेरी एग्रेसिव नेशनलिस्ट, ही इज अ वेरी पावरफुल एग्रेसिव नेशनलिस्ट, ही इज ट्राइंग टू रिस्टोर द पास्ट ग्लोरी ऑफ सोवियत रशिया। सोवियत रशिया आप जानते हैं 1917 में हुआ था ना रशियन रेवोल्यूशन, 1917 से लेकर के और जब तक रशिया टूट नहीं गया, थैंक्स टू गॉर्बचोव, गॉर्बचोव को आप शुक्रिया अदा करें, देश टूट गया तो गॉर्बचोव ने जब तक जो कुछ हुआ वो एक अलग कहानी है, मैं उसकी चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ। बट सोवियत रशिया बिकेम ए वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, सोवियत रशिया वॉज डिसाइडेडली अमंग द मोस्ट पावरफुल नेशंस इन द वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम यूएसए सोवियत रशिया वॉज द मोस्ट पावरफुल नेशन। Could somebody imagine that something like Soviet Russia will go into pieces? आप समझ लो मेरी बात, मैं nationalism की बात कर रहा हूँ, patriotism की बात कर रहा हूँ। Could somebody think, could somebody imagine that a country like Soviet Russia, with a very powerful military force, with a very strong economy, with the leaders who were as powerful as many Modis put together, that kind of Soviet Russia will go into pieces? लोगों ने नहीं सोचा था। लोग इमेजिन नहीं करते थे कि सोवियत रशिया टूट के इतने सारे देश में विभाजित हो जाएगा, लेकिन वो इत्तफाक है, हिस्टोरिकल रियलिटी है, इतिहास गवाह है, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो अचानक हुआ, जैसे ताश के पट्टे टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वैसे सोवियत रशिया टूट गया। मैं रशिया में था जब एक दो दिन बातचीत के दौरान, तो बड़ी तारीफ पुतिन साहब की, बिकॉज ही हैड अटैक क्रीमिया, क्रीमिया अटैक किया था ना, क्रीमिया को कैप्चर करने की कोशिश की, तो लोगों में बड़ा अच्छा लगा, उत्साह आया कि भाई ये तो बड़ा पावरफुल आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है, बिकॉज एग्रेसिव नेशनलिज्म इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। यू मे ऑर मे नॉट लाइक, इफ चाइना इज ट्राइंग टू कैप्चर अरुणाचल प्रदेश, देयर आई वाज डीजी पुलिस वंस, पीपल इन चाइना विल एडमायर हिम, आई थिंक द लीडर्स ऑफ चाइना विल बी वेरी पॉपुलर इफ दे वॉन्ट टू कंट्रोल अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया, वो भी एक नेशनलिज्म है ना, वो भी एक नेशनलिज्म है, वैसी नेशनलिज्म अगर प्रैक्टिस कर रहा है आज पुतिन, तो वो एक कहानी। मैं वहां से चला गया लिथुआनिया, वहां पे लैटविया, बहुत सारे कंट्रीज के लोग थे, वो सारे कंट्रीज जो अलग हो चुके हैं सोवियत रशिया से, पीपुल हेटेड पुतिन, ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज विच ब्रोक अवे फ्रॉम सोवियत रशिया, और वो समझते हैं कि उनकी बुनियाद ही सही थी, उनको वैसे ही होना चाहिए था। लैटविया, लिथुआनिया, बॉस्निया, ये सारे कंट्रीज नाम सुना होगा, कजाकिस्तान, ये सारे कंट्रीज बने, सब अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, सब अलग अलग देश बन गए, और ये सारे देश बहुत खुश हैं आज, बहुत प्रॉस्पेरस हैं, ग्रो कर रहे हैं बड़ी तेजी से, और वो सभी पुतिन का नाम नहीं सुनना चाहते हैं। तो देखिए ये कहानी बड़ी अजीब सी है, ये बड़ी अजीब कहानी है कि भाई नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म, ये तमाम चीज़ों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश। बड़े अच्छे से तुमने बहुत सारी बातें बताई, तो ये मैं यूएसए, ऐसी इत्तफाक की बात है, बहुत साल पहले आई वॉज इन यूएसए फॉर सम रीज़न, मैं सीबीआई में था बहुत साल, और सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं जाता रहता था, देयर वर सम वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, सो आई वॉज वर्किंग विद एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन यूएसए, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, और मैं था एक महीने के लिए, बहुत सारी बातें थी। इत्तेफाक से मेरा भाई उस समय वहाँ का काउंसलर था, जो बाद में चाइना का एम्बेसडर हो गया, तो वहाँ पे उस समय एक डिबेट चला, बहुत पावरफुल डिबेट था। डिबेट ये था कि सम पीपल स्टार्टेड यूजिंग द नेशनल फ्लैग, दे स्टार्टेड यूजिंग द नेशनल फ्लैग, किसी ने उसकी चड्डी बना ली, किसी ने उसको कुछ और बना दिया नेशनल फ्लैग को, यू अंडरस्टैंड, नेशनल फ्लैग जो उनका ध्वज है, उनके जो उसको लोगों ने एक से एक मिसयूज करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने, इसको लेकर बड़ा हल्ला मचा, बड़ी बहस हुई वहां पे यूएसए में कि वेदर एन एवरेज पर्सन इज सोइलिंग द नेशनल फ्लैग, मिसयूजिंग द नेशनल फ्लैग, देन व्हाट शुड बी डन अबाउट इट, क्या कैसे नेशनल फ्लैग का को कैसे ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि हम इस बात को जान रहे हैं कि नेशनल फ्लैग इज वन ऑफ द इट इज कवर्ड बाय अ लॉ, अ पर्टिकुलर लॉ, आपको पता है हिंदुस्तान में कानून है, you cannot desecrate, you cannot denigrate, you cannot insult national flag, there is a law in India. America mein main tab ki baat keh raha hu jab national flag ko logon ne beizzat karna shuru kiya, so called beizzat, behas hui bahut zyada, us behas ke dauran logon ne ye faisla kiya, consensus ye tha
Damn it, it's my flag. I can do whatever I like. You understand that? ये मेरा flag है. मैं जो चाहूँ करूँ इसके साथ. ये flag मेरा है. I'm proud of my flag, but I use the flag. और अगर इसका हम इस्तेमाल ऐसे ही करना चाहते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे. अगर फ्लैग का हम ट्राउजर बनाना चाहते हैं, शर्ट बनाना चाहते हैं, कपड़ा बनाना चाहते हैं, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे. अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया. अमेरिका एक्सेप्टेड. यूएसए एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन. दे अमेरिका की खासियत क्या थी? मैं सोचता था कि वाई दिस कंट्री विच इज फुल ऑफ ड्रग एडिक्ट्स, वाई दिस कंट्री विच इज सो डिप्रेव्ड, वाई दिस कंट्री विच हैज प्रॉब्लम्स एंडलेस, why this country which has maladies which you can't count still is the greatest country in the world. I used to think, mere dimag mein baat ki kyun ye desh itna mahaan hai. Mujhe laga jab logon se maine baat ki, chote bacche Americans jo Indian Americans the, main kisi ke ghar par gaya, logon se baatcheet ho rahi thi. Even the small children who are Indian origin or Chinese origin or any country's origin, they live in USA. Everybody says I am American and I am the best. You understand that? Yes, yes. I am American and I am the best. America में ये खासियत आज भी है कि वो सब कुछ में superlative चाहता है. अभी भी आप पता करोगे तो America में people take pride that I am the ugliest American, I am the tallest American, I am the dirtiest American, I am the strongest American, but I am American, I am the best. You understand that? This pride that I am American, I am the best. ये जो pride है, इस pride ने ही अमेरिका को बनाया है जो अमेरिका है. वो उसकी अपनी एक identity है. जब अमेरिका हिंदुस्तान के समान बहुत सारे nationalities वहाँ भी थे, बहुत सारे, आपको पता है, it's a country of immigrants. भाई इतने सारे states बने हुए, it's a country of migrants, it's a country which did not originate there. It has a very small history. हिंदुस्तान के मुकाबले अमेरिका की history कुछ भी नहीं है. अभी तुमने संजय ने भारतवर्ष के इतिहास की बात की और सही किया. तो वो जो प्राइड है, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, दैट काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट दिस इज माय कंट्री, दिस इज माय वर्ल्ड, दिस इज माय सोसाइटी, आई एम हैप्पी अबाउट इट बिकॉज आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन. तो ये चीज मैं समझता हूँ, मेरी सोच यही है कि इस ढंग की फीलिंग जो लोगों में होती है हर किसी में, ये यही देश को मान बनाती है. यही नेशनैलिटी हो, आप पैट्रियटिज्म कहें, आप कुछ भी कहें. अब आज के दिन जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पे, सी छोटे से स्टार्ट करें आप. सी एवरीबडी इज राइट इन बीइंग प्राउड अबाउट हिज विलेज, अबाउट हिज लेन, अबाउट हिज कॉलोनी, अबाउट हिज मोहल्ला, अबाउट हिज सिटी, अबाउट हिज डिस्ट्रिक्ट, अबाउट हिज स्टेट. नो हार्म, आई एम बिहारी, आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट डजंट कॉन्ट्रडिक्ट दैट इफ आई एम बिहारी आई कांट बी इंडियन. If I am, let us say, I am a caste, my community in Bihar, for example. If I am a caste, doesn't matter. हमारी मेरी identity बहुत सारी हो सकती है. एक आदमी की identity बहुत सारी हो सकती है. वो identities एक दूसरे को cross नहीं करती. और ये identity को आप एक बड़े वर्ल्ड में जब शामिल करते हैं और एक देश के फॉर्म में डालते हैं, भारतवर्ष जो देश आपका, तो उसमें फिर उस आइडेंटिटी को आप मिला देते हैं और फिर एक जो एक कैरेक्टर क्रिएट करते हैं, पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, पर्सोना क्रिएट करते हैं, एंटिटी क्रिएट करते हैं. उस एंटिटी की जो खासियत होती है, उसकी पहचान होती है, उसकी इज्जत होती है, वही नेशनलिज्म है मेरे हिसाब से. नेशनलिज्म इज समथिंग विच इज टोटली कॉन्ट्रडिक्टरी टू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू ट्राई टू डिवाइड ऑन एनी बेसिस. कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, ये तमाम चीज़ें, इट्स ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट्स ऑल पार्ट ऑफ हिस्ट्री. मैं कहीं देख रहा था, नेशनलिज्म को जो आप डिफाइन भी करते हैं नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट जो होता है या नेशन जो होता है, इट इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सोशियो कल्चरल मिक्सचर्स एंड देयर इवोल्यूशन, इट्स अ प्रोसेस ऑफ मल्टीकल्चरली गोइंग टुगेदर. इट इज नॉट ए प्रोसेस कि आपने ये कह दिया कि फलाना समय जो हिंदुस्तान में था वही इस देश को डिफाइन करता है. दैट्स नॉनसेंस, इट्स ए टोटल नॉनसेंस. अगर कोई ये कहने की कोशिश कर रहा है, हम लोग तो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इतिहास के विद्यार्थी हैं, और हम इस बात को मान के चलते हैं कि भारतवर्ष का इतिहास अगर 5000 साल पुराना है, तो इतिहास का जो हर स्टेज है, हर फेज है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट है.
उस फेज में किसी ने रूल किया, किसी ने रूल नहीं किया, किसने क्या कंट्रीब्यूट किया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। और ऐसा थोड़ी है कि जैसे आज आज का सिविलाइजेशन टॉलरेंट सिविलाइजेशन है, आज लोग रिलीजियस, आप एग्नोस्टिक हैं या आप बिलीवर हैं या आप नॉन बिलीवर हैं, आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप क्या हैं, रियली डजंट मैटर टुडे, इट डजंट मैटर एट ऑल। बट देन दिस थिंग वाज ग्रोइंग, देन इस्लाम वाज ग्रोइंग, देन क्रिश्चियनिटी वाज ग्रोइंग, मेनी टाइम्स सर्टेन सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म वाज ग्रोइंग, बुद्धिज्म वाज ग्रोइंग। फॉर एग्जांपल, I am not a believer in Buddha. Then Buddhism was growing in many parts of the world. China, I had a chance to spend a lot of time in China, for example, in Japan and many countries. Buddhism is very, very aggressive in many places. In Sri Lanka, for example, I was investigating Rajiv Gandhi case. And I had a lot of time in Sri Lanka. I was in Sri Lanka about a month back. I spent a lot of time there. Such strong feelings. Buddha never taught it. Buddha as a historical figure, Buddha as a preacher, Buddha as a spiritual leader, never told. I mean, there is no question that Buddha will ever speak that language which his followers are speaking. Buddha was a man of history. Buddha was not a man of mythology. And mind you, Buddha was agnostic. I hope I'm not denying the history. Buddha was agnostic. Buddha was a non-believer. Buddha never believed any religion. आपको मालूम है ये? आपको पता नहीं होगा शायद, मैं कह रहा हूँ, हिस्टोरियंस कैन करेक्ट मी। चूंकि बुद्धा ने एक नई चीज शुरू की, बुद्धा की शुरुआत जो है बुद्धिज्म एक अलग चीज है, बुद्धा एक अलग चीज है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लोग किसी सिंबॉल को पकड़ के, किसी सिंबॉल को पकड़ के, किसी भाषा को पकड़ के, किसी व्यक्ति को पकड़ के उसको एक नई पहचान देने की कोशिश करते हैं और ये महसूस करते हैं कि यह पहचान अलग है। दे बिकम रैबिड अबाउट इट, दे बिकम टू पैशनेट अबाउट इट। And many a time, patriotism becomes a very, very passionate effort. It becomes very secular. Sorry, it becomes very, very sectoral. It gets limited to a particular kind of people. तो अभी आज के दिन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारतवर्ष की बात करें, तो ये तीन जो expressions जिनकी चर्चा आज हो रही है, nationalism, patriotism and human values. Very interesting. I have not given thought. Whatever I have done, I have practiced. मेरे बारे में, मेरे काम के बारे में आपने बताया। As a policeman, for example, I have seen lot of violence, huge violence. I had a very, very eventful career. Lot of riots, lot of violence I have seen. I have participated. Use of force भी हमने किया है, investigations किए हैं, बहुत सारी चीजें। 84 riots की बात हुई। Perhaps I was one among 2-3 officers who got gallantry award, which is a rare thing in 84 riots. I tried to do my job, and the kind of madness I saw being practiced in this city, in this wretched city, what I saw while 2,806 were killed in the city, it's madness. I do not know कहाँ मैं locate करूँ उसको, इस पूरी की पूरी घटना को मैं कहाँ डालूँ, किस खाते में डालूँ, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसे घटनाओं को किस खाते में डाला जाए। इस ट्रेन की बहुत सारी बातें रहती है। तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि इट इज बेटर टू बी अवे फ्रॉम दोज फोर्सेस, दोज सिचुएशंस व्हिच डिवाइड अस, वेदर इट इज कास्ट, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, ऑल दीज थिंग्स व्हिच रियली क्रिएट बैरियर्स, व्हिच कंपार्टमेंटलाइज आवर लाइफ, which create walls amongst us. And those walls are, they need to be broken in a country like India. India is essentially an extremely pluralistic country. It's a multicultural country. 1600 dialects we speak, is that correct? 1600 dialects and languages we speak. I was DG Police Arunachal Pradesh for 2 years. Even in a place like Arunachal, jiski abadi hardly 13-14 lakh ke aas paas hai, 26 अलग अलग वहां पे ट्राइब्स हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं। हिंदुस्तान में एक स्टेट में एक दूसरे की बात नहीं समझते हैं। Those tribes don't understand each other in one state like Arunachal Pradesh. And I have not seen more patriotic people in any part of the country as Arunachalis. आप अरुणाचल कभी जाओगे तो देखना,
आप जाके देखना वहां पे जितना फ्लैग बच्चे उड़ाते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा, लेकिन इन्फॉर्म दे आर सच पीपल, दे लव इंडिया, व्हाटएवर रीजंस दे लव इंडिया. ये जो तमाम डिविजन्स हैं, ये तमाम बातें उनके लिए वैलिड नहीं है. तो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ आई लुक एट द होल थिंग. एंड वेल, एज ए पुलिस ऑफिसर, एज समबडी डीलिंग विद लॉ एंड ऑर्डर, आई हैव डेल्ट विद डिवाइसिव फोर्सेस, आई हैव डेल्ट विद कम्युनल रायट्स, आई हैव डेल्ट विद लॉट ऑफ वायलेंस, एंड ऑल दैट हैव ओनली इंडिकेटेड दैट इट्स अ माइंडसेट. द स्मॉल पीपल, रॉन्ग थिंकिंग पीपल, people with no sense, no understanding, they are the kind of people who create these kind of situations. And decidedly, it's not nationalism. They can't be called nationalists. Nationalism is never a thing which can divide, which can create sectoral kind of situations. So that is one part of it. Rahi baat jindagi ki aur kaam ki, to is saal mein mujhe mauka mila. इत्तेफाक था प्रयास का क्रिएशन, महज इत्तेफाक था. आई वॉज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम्स फॉर 5 years, एंड आई वॉज इन द मिडस्ट ऑफ लॉट ऑफ केसेस, बिग केसेस, वेरी इंपॉर्टेंट केसेस विच आई रिमेंड इन सीबीआई ऑल्सो. बच्चे शहर में, दिल्ली शहर में 50-60 बच्चे, शहर के बच्चे थानों में इकट्ठे हो जाते थे, उनको रखने की जगह नहीं थी, नंबर वन. नंबर टू, एक बहुत बड़ी आग लगी जहांगीरपुरी में, मैं वहाँ गया और एक प्रयास नाम की संस्था की शुरुआत हो गई. 3 साल हो गए इसके. द ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रोन ऑन इट्स ओन स्टीम. टुडे प्रयास एम्प्लॉयज अबाउट 817 फुल टाइम प्रोफेशनल्स. वी ऑपरेट 247 सेंटर्स. वी रन टू बी प्रिसाइज 50 होम्स फॉर चिल्ड्रन एंड विमेन एंड होमलेस. वी रन लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. नियरली 40,000 पीपल कम टू द ऑर्गेनाइजेशन एवरी डे. इट हैज ग्रोन, इट हैज डेवलप्ड, इट हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड फॉर मी. This doesn't talk the language of patriotism. I'm sorry to say, we don't speak about these things. हर ढंग के लोग हैं, हर क्लास, हर कम्युनिटी के लोग हैं. मैं बहुत सेकुलर हूँ, स्ट्रॉन्गली सेकुलर हूँ. I'm sorry, I'm agnostic. I'm agnostic. Because I think कि जब ये तमाम बातें हो ही रही हैं, तो वो तो उसकी कहानी अलग है. This country, let me inform you, friends. This country has 50% of India's population happens to be around poverty line. The country which happens to be world's fourth largest economy, fastest growing economy, has no business to have 50% people who happen to be around poverty line. Our human development indicators, they place it at 131. 131 is the position. हमारा जो human development indicator, जो असल पहचान होती है किसी society की होती है ना, health, education, बच्चे, औरतें, disabled, elderly, उनकी हालत क्या है, गरीब, बेसहारा, परेशान. अगर ये लोग indicator हैं किसी society के, तो हमारी पहचान बहुत कमजोर है. हमारी जगह 131 है, 188 देशों में, यही है ना, 131. The academics would know better. There is we are fourth largest economy. We are very, very unequal society. Very divided, very unequal. Sad society. और इस society के जो thinking process है वो अलग होना चाहिए. हम लोगों को यहाँ कुछ दूसरे ढंग सोचना चाहिए. We should be away from these kind of sectoral thoughts. If we really want to be nationalist and patriotic and we want to create good values, let us serve. Service, I think, is the biggest message. Thank you very much.